हेलो एवरीवन मेरा नाम है रोहित नायर और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप महाराष्ट्र में वाइनरी या वाइन मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस कैसे ले सकते हो इस वीडियो को मैंने पांच पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नंबर वन लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स नंबर टू लाइसेंस फीस नंबर थ्री अदर रूल्स एंड टैक्सेस नंबर फोर कॉस्टाइन एंड नंबर फाइव प्रोजेक्टेड इनकम तो चलिए शुरू करते हैं लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स आपको महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में बी आर एल लाइसेंस लेना होगा जो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है ये एप्लीकेशन आज की तारीख में ऑनलाइन नहीं है इसका एप्लीकेशन फीस होगा रुपीज फाइव हंड्रेड ये फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना होगा प्लान स्टेटमेंट ऑफ वेसल्स जो मैन्युफैक्चर में यूज करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर कैसा करने वाले है इसका एक डिटेल स्टेटमेंट देना होगा प्रोसेसिंग डिटेल्स सबमिट करना होता है ये सबमिट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से एक महीने के अंदर इरादा पत्र आएगा ये इरादा पत्र बेसिकली एक अप्रूवल होता है एक बार आपको इरादा पत्र आएगा तब आपको वाइनरी के और भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं नंबर वन एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से नंबर टू सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या बैंक गारंटी चाहिए होगा जो लाइसेंस फीस का फिफ्टी परसेंट होगा नंबर थ्री लैंड एन यानी नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट चाहिए होगा नंबर फोर अगर आपके प्रोजेक्ट में एफ डी आई यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको एफडीआई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पता अगर आप बाइनरी के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर से फंड्स लेके आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर इंडिया के बाहर है और आपको वाइनरी के लिए पैसा दे रहा है देन वो एफ में आता है देन आपको उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा लेना होगा अगर आप इंडिया के बाहर से पैसे नहीं लेके आ रहे हो देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है देन आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करना होता है या आपका कंपनी है देन आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा यहां मैं हमेशा आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म करना वो बेटर होता है सारे मशीन्स के ब्लूप्रिंट चाहिए होगा फोर कॉपीज एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा ये आठ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये जो लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली प्रमोटर का प्रोफाइल होता है उसे प्रोफाइल होता है आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्स होता है आप जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करने वाले हो उसका डिटेल्स होता है फॉर एग्जाम्पल टेक आप ग्रेप का वाइन बना रहे हो तो ग्रेप्स का सीजन आप कहाँ से लेने वाले हो या फिर आप मैंगो का वाइन बना रहे हो तो मैंगो जनरली समर सीजन में मिलता है तो आप कैसे उसको स्टोर करने वाले हो कहाँ से लेने वाले हो इसका डिटेल्स देना होगा उसमें आपको मार्केट पोटेंशियल डिटेल्स देना होता है मार्केट कितना बड़ा है मार्केट इन जीडीपी टर्म्स बताना होता है कितने लोग ऑन एन एवरेज वाइन कंज्यूम करते हैं टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करने वाले हो जनरली जो टेक है वो नॉर्मली सारे वाइनर्स के लिए मोर और लेस सेम ही होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा करंट कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताना है फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी ऑफ वाइन मार्केट सोला वाइन्स के पास है और बाकी प्लेयर्स छोटे छोटे प्लेयर्स हैं आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी इसमें लैंड कनेक्टिविटी वाटर लेबर एक्सेट्रा कैसे प्रोक्योर करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल्स देना होता है और लास्ट में प्रोजेक्ट आउटले का डिटेल्स देना होता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल देना होता है जो आपके प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करेगा इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्शन डिस्कस किया है आपके लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल जैसे एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से ड्राफ्ट करवाए क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आपका लाइसेंस डिपेंडेंट है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉस्टिंग आपको अराउंड थर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड तक जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशनल ये वीडियो बनाने में हमारा टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एफर्ट्स डाले हुए हैं प्लीज so हमें सब्सक्राइब करना शेयर करना और ये वीडियो को लाइक करना भूलना मत लाइसेंस कॉस्ट वाइन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस कॉस्ट ईयरली रुपीज फिफ्टी सेवन थाउजेंड फिफ्टी होता है बियर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस कॉस्ट उसके प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है बियर मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल वीडियो मैं अलग सा एक वीडियो में कवर करूंगा अदर रूल्स एंड टैक्सेस एक्सेस ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी ग्रेक वाइन पे एग्जाम है तो अलग से एक्साइज ड्यूटी नहीं चार्ज होता लेकिन बाकी फ्रूट्स के वाइन पर एक्साइज ड्यूटी लगता है और ये होता है रुपीज़ वन पर लीटर ये काफ़ी कम होता है लेकिन नया वाइन पॉलिसी में ये नया रूल आया है कि एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा रुपीज़ टेन हर बॉटल पे जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है एडिशनली आपको एफ SSAI का भी लाइसेंस चाहिए होगा कॉस्टिंग इस सेगमेंट में आपको नॉर्मल सा एक वाइनरी में यूज होने वाले मशीन्स एंड उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग बैंक्स विद जेट वॉशिंग सिस्टम ये बेसिकली आपका फ्रूट का वॉश एंड सॉर्टिंग के लिए यूज होता है पल्पर एंड डीसीडर पल्पर एंड डीसीडर ये डिपेंड करता है फ्रूट क्या है अगर आपका फ्रूट मैंगो है देन आपको ये मशीन चाहिए होगा उसका सीड एंड स्किन निकालने के लिए लेकिन अगर आपका फ्रूट ग्रेप्स है देन आपको ये मशीन नहीं चाहिए होगा हाइड्रोलिक प्रेस ये हाइड्रोलिक प्रेस जो आपके फ्रूट को प्रेस करके उसका जूस निकालता है ये ग्रेप्स में नॉर्मली यूज होता है ऐसे आपका फ्रूट का एक जूस एक्सट्रैक्टर चाहिए होगा नेक्स्ट आता है जैकेटेड फर्मेंटर्स ये बेसिकली एक फर्मेंटर टैंक्स होता है जिसके बाहर से एक कोटिंग होता है जहाँ से पानी पास होता है जो कि इस टैंक का टेम्परेचर मेंटेन करता है नेक्स्ट आता है चिलिंग यूनिट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एक चिलिंग यूनिट का भी जरूरत होगा ये चिलिंग यूनिट फर्मेंटर टैंक का टेम्परेचर मेंटेन करता है इसके बाद आपको एक फिल्टर प्रेस ये फिल्टर आपके वाइन को फिल्टर करने में यूज होता है सेमी ऑटोमेटिक बॉटल रिंजिंग फिलिंग एंड कैपिंग ये मशीन मेनली ऑटोमेटिक भी आता है ये मशीन आपका बॉटलिंग फिलिंग एंड कैप लगाने के लिए यूज होता है ईस्ट कल्चरल रूम ये ऑप्शनल है आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो लास्ट में आता है मिसलेनियस इक्विपमेंट्स जैसे ट्रेस रैक्स एक्सेट्रा इसका कॉस्टिंग आपको कम से कम आठ लाख से वन पॉइंट टू करोड़ तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी एंड कितना एडवांस मशीन आप यूज कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्मेंटेशन एंड स्टोरेज टैंक्स 2,500 थाउजेंड फाइव का कोट मैंने एक मुंबई बेस्ड कंपनी से लिया था तो मुझे 2.5 लाख बोला एंड 5,000 थाउजेंड लीटर्स कैपेसिटी के लिए 3,45,000 लाख बताया गया था ये अमाउंट कैपेसिटी एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड आपके प्लेस पर भी डिपेंड करेगा ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉरन कंपनी से जैसे इनो इटालिया या डेला टोफिला से जो कि वाइन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में एक्सपर्ट है देन आपका कॉस्ट हाई होगा लेकिन ये मशीन्स काफी एडवांस्ड भी होगा मैंने कुछ कोटेशंस आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्टेड इनकम हम अभी बात करते हैं प्रोजेक्टेड इनकम की तो चले जाते हैं हम एक्सेल पे यहां पे मैंने पांच साल का डेटा लिया है ये एग्जाम्पन बेसिस पे पाँच साल का प्रोजेक्टेड इनकम क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि आपका साल का आउटपुट साल का प्रोडक्शन टू लाख लीटर्स ऑफ वाइन रहेगा टू लाख लीटर्स एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा है बट ये डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी के ऊपर और आपका मार्केटिंग के ऊपर एनी वेज एग्जाम्शन के लिए मैं टू लाख लीटर्स ले रहा हूँ जनरली वाइन दो टाइप के बॉटल में सेल किया जाता है एक तो है 300 सौ के और दूसरा है 750 फिफ्टी के यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि आप थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री तीन सौ एम एल के बॉटल्स सेल करेंगे एंड वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी एम एल बॉटल्स सेल करेंगे जनरली ऑन एन एवरेज सेलिंग प्राइस तीन सौ एम एल वाइन बॉटल जो नया ब्रांड है उसका प्राइस अराउंड वन थर्टी के आसपास आता है फॉर एग्जांपल फ्रुजांटे एंड नॉर्मली सेवन फिफ्टी एम का प्राइसिंग अराउंड तीन सौ रुपये के आसपास आता है मैं यहाँ पर टू एटी रुपीज़ लिया है अभी यहाँ मैं सेल प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ तीन सौ एम बॉटल के लिए थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री बॉटल्स मल्टीप्लाइड बाई वन थर्टी रुपीज़ ये आता है फोर करोड़ थर्टी थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सेल प्राइस सेवन फिफ्टी एम एल बॉटल के लिए टू एटी रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री बॉटल्स ये आता है अराउंड थ्री करोड़ सेवेंटी थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री तो टोटल सेल्स होगा एट करोड़ सिक्सटी सिक्स लाख सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन अभी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जनरली फिफ्टी परसेंटेज होता है जो सेलिंग प्राइस का फिफ्टी परसेंटेज मैं एज्यूम कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट होगा तो तीन सौ एम एल बॉटल एंड सेवन फिफ्टी एम एल का बॉटल का फिफ्टी परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है वन थर्टी का फिफ्टी परसेंटेज सिक्सटी फाइव रुपीज़ और टू का फिफ्टी परसेंटेज वन फोर्टी रुपीज़ तो टोटल तो वेरिएबल कॉस्ट होगा फोर करोड थर्टी थ्री लाख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री ये मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है पर बॉटल इनटू नंबर ऑफ बॉटल्स आया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ टू करोर होगा ये सैलरी होगा रेंट होगा मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा सब मिला के मार्केटिंग कॉस्ट ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज एज्यूम कर रहा हूँ मैं इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा रुपीज टेन लाख नेट प्रॉफिट वन करोड़ सिक्सटी एट लाख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री ये होगा एक साल के लिए पाँच साल के लिए मल्टीप्लाइड बाई फाइव एज्यूम कर लेना ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स एक एग्जाम्पन में बनाया हूँ एग्जाम्पन ये है कि आपका एनुअल प्रोडक्शन टू लाख लीटर्स होगा एंड आप उतना सेल भी कर सकते हो एक चीज़ हमेशा याद रखना वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वाइन प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है ये रेडी मनी नहीं होता एंड स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल इश्यूज हो सकते हैं वाइन इंडस्ट्री महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र का नया वाइन पॉलिसी में वाइन का सेल सुपरमार्केट एंड नॉर्मल दुकान में अलाउ किया गया है ये वीडियो बनाने में हमारा टीम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिया है सो so, प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना लाइक करना और ये वीडियो कम से कम दस लोगों को शेयर करना धन्यवाद